गुरुग्राम सोना एक्सप्रेस वे देश का सबसे ज्यादा टोल वसूलने वाला नेशनल हाईवे बन गया है। 4 अगस्त की रात 12 बजे से यहां टोल के दाम दोगुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। नई कीमतों के लागू होने के बाद एक्सप्रेस वे पर आपको प्रति किलोमीटर 5.23 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। ये कीमत देश के किसी भी अन्य एक्सप्रेस वे पर वसूले जा रहे टोल टैक्स से बहुत ज्यादा है। गुरुग्राम सोना एक्सप्रेस वे 22 किलोमीटर का है। इस हाईवे पर कार वालों को एक साइड के लिए 115 रुपए टोल चुकाने पड़ रहे हैं। NHAI की तरफ से ये जो पहले रेट था 45 रुपीस का, उसको उन्होंने बढ़ा के कार का रेट कर दिया 115 रुपए, और बाकी वाहनों के भी ऐसे ही कर दिए हैं, लगभग बढ़ा के रेट कर दिए हैं। उनका कहना ये है कि ये जो एलिवेटेड रोड बने हैं, ये रोड खुलने की वजह से जो पहले का पुराना रेट था उसको बढ़ा के अगला कर दिया। आसपास के ग्रामीणों का विरोध भी काफी दिनों से सर ग्रामीणों का विरोध है, उसके लिए सरकार ने भी लागू कर दिया है और NHAI ने भी दिया है। 20 किलोमीटर रेजिडेंस में जितने भी गांव हैं, सबको 315 रुपए मंथली पास है। इससे पहले अप्रैल के महीने में इस एक्सप्रेस वे के आधे हिस्से को शुरू किया गया था, जिसके बाद इस रोड पर सफर करने वालों से मई से ही 45 रुपए प्रति ट्रिप के हिसाब से टोल लगने लगा था। एक्सप्रेस वे पर 24 घंटे के अंदर दूसरी ट्रिप करने पर लाइट मोटर व्हीकल यानी कार जैसे वाहनों से 60 रुपए वसूला जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस हाईवे पर दो ट्रिप के लिए कार चालकों को 175 रुपए चार्ज देना पड़ रहा है। टोल प्लाजा के मैनेजर रंगेश मिश्रा ने बताया कि आसपास के इलाके के लोगों को थोड़ी सी राहत दी गई है। यहाँ मंथली पास बनवाने के लिए आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जिसके नाम पर गाड़ी है उसके आधार कार्ड की कॉपी टोल प्लाजा पर जमा करानी होगी, इसके बाद मंथली पास की सुविधा ले सकते हैं। आपको बता दें, गुरुग्राम सोना रोड एक्सप्रेस वे को दिल्ली मुंबई बड़ौदरा एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है। इसके लिए सोना रोड पर करीब 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेस वे के बनाने में आए खर्च की वजह से इस रोड पर टोल की कीमतें सबसे ज्यादा हैं।